अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की, यानी कच्चा तेल। टेक्निकल वाला हिंदी में कहे तो अपरिष्कृत तेल, जिसे रिफाइन नहीं किया गया है। इसी क्रूड ऑयल में निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का तेल, गैस और वैसलीन। सोमवार 9 मार्च 2020 को क्रूड ऑयल के दाम में बहुत बड़ी गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में करीब 30% की गिरावट आई। इसे 17 जनवरी 1991 को गल्फ वॉर शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी गिरावट कहा जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? एक लाइन में कहें तो तेल उत्पादन कम करने के मुद्दे पर तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और रूस के बीच समझौता नहीं हो पाया। ओपेक पर सऊदी का दबदबा है। पिछले सप्ताह सऊदी ने रूस को तेल उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रूस ने सऊदी की बात नहीं मानी और मौजूदा तेल उत्पादन को बनाए रखने की बात कही। इसके बाद रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब ने तेल की कीमतें घटा दी। लेकिन ओपेक तेल का उत्पादन कम क्यों करना चाहता है, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ओपेक है क्या। क्या है ओपेक? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। मकसद अमेरिका और यूरोपीय तेल कंपनियों की ताकत और रसूख से तेल उत्पादक देशों के हितों की हिफाजत करना था। ओपेक के गठन का सुझाव वेनेजुएला ने दिया था। वो इकलौता देश था जो फारस की खाड़ी से काफी दूर था। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का बड़ा भंडार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार करीब 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल। 1960 से 2018 के बीच 5 सदस्य देशों के साथ 10 अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। ये 10 देश हैं कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गेबॉन और इक्वेटोरियल गिनी। कई देश इस संगठन में आते जाते रहे। कतर 2018 में ओपेक से अलग हो गया। ओपेक देश दुनिया की तेल सप्लाई का 40% से ज्यादा का हिस्सा नियंत्रित करता है। ये 82% तेल भंडार के मालिक भी हैं। सऊदी अरब का इस संगठन पर दबदबा है। ओपेक चाहता था कि रूस तेल के उत्पादन में कटौती करे, लेकिन रूस ने ओपेक की बात नहीं मानी। सहमति नहीं बनने के बाद शुक्रवार 6 मार्च को ही तेल की कीमत में 10% की गिरावट देखने को मिली थी। कोरोना वायरस से कैसे जुड़ा है मामला? दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से चीन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। यहाँ फैक्ट्रियाँ, ऑफिस और दुकानें पहले की तरह नहीं चल रही हैं। कई कंपनियों का प्रोडक्शन घट गया है। चीन सामान्य तौर पर हर दिन औसतन 1,40,00,000 बैरल तेल खपत करता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा हो नहीं रहा है। चीन के साथ अन्य देश भी कोरोना की चपेट में हैं। कई देशों में यात्रा पर बैन है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, फ्लाइट्स कम हुई हैं, हवाई जहाज़ों के काम आने वाले जेट फ्यूल की भी खपत कम हो रही है। इस वजह से तेल की मांग में कमी आई है। कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार गिरावट को थामने के लिए ओपेक और सहयोगी देश ऑयल प्रोडक्शन में रोजाना 1.5 मिलियन बैरल कटौती करना चाहते थे, लेकिन रूस ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देश सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया। रूस ने क्यों नहीं कम किया प्रोडक्शन? चाहे सऊदी अरब हो, रूस या तेल उत्पादन करने वाले अन्य बड़े देश, ये बाजार में कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ने शेल ऑयल फील्ड से पिछले दशक में तेल उत्पादन बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अमेरिका जिस तेजी से तेल उत्पादन बढ़ा रहा है, उससे सऊदी और रूस जैसे बड़े देशों के मार्केट पर खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि रूस ने तेल उत्पादन में कटौती की बात नहीं मानी। रूस के उत्पादन में कटौती से इनकार करने के बाद सऊदी ने अप्रैल में तेल उत्पादन बढ़ाने का भी फैसला किया है। सऊदी ने अगले महीने अपने तेल उत्पादन को बढ़ाकर 10,00,000 बैरल प्रतिदिन करने की बात कही है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। दिल एलन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको आज की कहानी के साथ। होली का दिन था, चारों तरफ रंग गुलाल, पिचकारियां चल रही थी। शिरलता के पति के कुछ दोस्त आने वाले थे तो वो पकवान बनाने में व्यस्त थी। थोड़ी देर में वो लोग आए जिनमें से एक दो नशे में भी थे। आगे क्या हुआ? होली अच्छी बीती या कोई कड़वा अनुभव हुआ? ये जानने के लिए पहुंचिए लटक के पते पर, latak.lallantop पर। और अपनी भी कोई कहानी हम तक पहुंचानी है तो भेजिए latak.lallantop@gmail.com पर। हमें दीजिए इजाजत। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप।